तो अभी अभी एनटीए द्वारा एक घोषित किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें हम बात करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनका मार्क्स कम है और जिनका ज़्यादा है उनके लिए भी, क्योंकि यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह सभी छात्रों के हित में लिया गया फैसला है एनटीए के द्वारा। जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वहीं किया एनटीए ने। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर रखिएगा। देखिए अभी हाल फिलहाल जब यूपी का चुनाव हो ही रहा है तो आप लोग थोड़ा सा नज़र भी बनाए हुए होंगे तो आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर यूपी के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में यानी मेडिकल कॉलेज खुलने की तैयारी हो रही है और लगभग लगभग 70% तैयारी पूर्ण भी हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब यह कि अब समय यह है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन सभी के द्वारा आप लोग के सीट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज करने देखने को मिल रही है, जो कि आप लोग अब समझ सकते हैं कि पहले जो MBBS की सीट थी वो 83,000 के आसपास थी, लेकिन अब वही सीट जो है यह बढ़कर 2021 में हो गई है लगभग 87,000 के अराउंड हो गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4,000 इंक्रीज देखने को मिल रही है, जो कि यूपी में आप ले सकते हैं, यूपी हो या गुजरात हो या अन्य स्टेट हो भारत के, यहाँ सभी जगह बढ़ोतरी दर्ज 2021 में। यह एनटीए का ऑफिशियल नोटिस है, मैं आपको बता दूं कि एनटीए ने यह बताया है कि अब यह सीटें बढ़ोतरी कर दी गई है। एनटीए के वेबसाइट और एनटीए के पोर्टल पर भी यह उपलब्ध है और यहाँ पर अब छात्रों की खुशखबरी तो बनेगी ही, क्योंकि अब यहाँ पर जो छात्र एक अंक से चुकते होंगे, दो अंक से चुकते होंगे, अब उनका एडमिशन MBBS में होगा कन्फर्म। तो देखिए ये काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ है, तो जितना हो सके दबा के इसे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और एक आप लोगों से हमले रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लगभग 71% ऐसे छात्र हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नीट से संबंधित ही लेटेस्ट अपडेट नोटिस जो भी आएगा प्रोवाइड किया जाएगा।